पहले तो सबको नमस्कार और आपके चैनल के दोस्तों को भी नमस्कार। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही कारण है कि कल रविवार को हमारे यहाँ कैंप लगा था, प्रत्येक रविवार को लगता है, तकरीबन 1500 मरीज देखे गए, सिवान के ही डॉक्टर थे। अगले रविवार को मेरे यहाँ गोरखपुर से स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट, और उनकी एक टीम है सिवान के जाने माने डॉक्टर अगले कैंप में रहेंगे। हम सिवान के सभी जनता से आग्रह करते हैं, जहाँ तक ये जा सके मेरी आवाज़, वहाँ अगल बगल कोई भी गरीब तबका का असहाय आदमी हो जिसकी बीमारी गोरखपुर और पटना जाके ना ठीक हो पाती हो, वो स्वयं आए यहाँ पे गोरखपुर से और पटना से। जो भी डॉक्टर इलाज कराने आप जाते हैं वो यहाँ आ रहे हैं, आप आके यहाँ मुफ्त में इलाज और दवा प्लस कोई भी जांच हो, सभी प्रकार की व्यवस्था फ्री है। हम गरीब असहाय के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तब तक मैसेज चला जाए। जीवन जी, एक चीज़ है कि देखा जा रहा है कि जो आप कैंप लगा रहे हैं उसको लेके जो भी प्रत्याशी लोग कह रहे हैं कि चुनाव तक ही लगेगा, उसके बाद से बंद हो जाएगा, इसके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? इसके लिए तो एक बहुत बड़ी बात यही कहेंगे कि हम ये कैंप इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि चुनाव है, ये कैंप इसलिए लगा रहे हैं ना कि पैसे का मूल क्या होता है बीमारी से, ये हम दो घटनाओं में जान गए। वो घटना हुई, हम किसी कारणवश हॉस्पिटल गए, जब कोरोना काल में हम गोरखपुर में थे तो पैसे की वजह से, चंद रुपयों की वजह से लोगों को मरते हुए देखे हैं। 10,000, 20,000, 15,000, 12,000 रुपये में ऑपरेशन जिस डॉक्टर से अगर 10 से 15,000 रुपये में इलाज हो रहा है वो आदमी मर जाता है, और डॉक्टर लोग की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं मुफ्त इलाज कराने की अगर व्यवस्था बनाई जाती तो डॉक्टर जैसे हमारे यहाँ शिविर में आते हैं, स्वयं आते हैं, फ्री निःशुल्क सेवा भी देते हैं और दवा भी लेके आते हैं, तो ऐसी कैंप की ज़रूरत है हर डिस्ट्रिक्ट में कि डॉक्टर भी वहाँ जाके निःशुल्क अपनी सेवा दे सके, और जो ऑर्गेनाइजर हो वो दवा का वितरण प्लस डॉक्टर के माध्यम से कुछ अपने तरफ से करके ये लोगों को सुविधा मिले कि 10 से 15 हज़ार के लिए कोई ना मरे, इसके लिए हम कैंप शुरू किए, ना कि राजनीति से। और मैं नेता नहीं हूँ, ना ही मुझे चुनाव लड़ना है कभी, ना लड़ूंगा। आज भी मैं मीडिया के माध्यम से कहता हूँ कि मैं जीवन यादव स्वयं समाज सेवी कहलाना पसंद करूंगा, नेता नहीं। एक ये आगे भी एक चीज़ है कि देखा जाए तो यहाँ पे फ्री कैंप लग रहा है और सरकारी हॉस्पिटल भी फ्री में इलाज होता है, तो वहाँ पे मरीजों का भीड़ दिखाई नहीं देता, और यहाँ पे क्या वजह कि इतना लोग आते हैं? ये सरकार की व्यवस्था है, वो सरकार समझे, ये मेरी व्यवस्था है, मैं इसको सुचारू रूप से करता हूँ, समय देता हूँ, मेरे साथ काफ़ी लोग हैं जो मेहनत करते हैं, समय देते हैं, और उनके द्वारा दी हुई व्यवस्था पे और हमारा साथ है कि ये लोग यहाँ आते हैं और अच्छे ढंग से इलाज कराते हैं और ठीक भी होते हैं, और जो लोग ठीक नहीं होते वो प्रत्येक रविवार को ये कैंप लगता है। इस बार जाँच हुआ तो अगली बार फिर वही डॉक्टर नहीं आते हैं तो दूसरा डॉक्टर भी जाँच द्वारा उनको दवा देते हैं। अच्छा जी, मुझे एक सवाल, डॉक्टर यहाँ बैठते हैं सर, बड़ा बड़ा जाँच भी लेते हैं, स्थिति में आप क्या करते हैं? देखिए, हम जाँच भी फ्री कराते हैं, कुछ मेरे दोस्त हैं सिवान के जो जाँच घर खोले हुए हैं, वो लोग को हम फोन करते हैं यहीं से, अब पता भी कर लीजिए, आनंद अल्ट्रासाउंड जाके वहाँ स्टेटमेंट ले सकते हैं, एक और अल्ट्रासाउंड है जिनका नाम मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा, ऐसे कितने अल्ट्रासाउंड हैं जिनका कॉन्टैक्ट नंबर हम बोल चुके हैं कि मेरे नाम से जो यहाँ से पर्चा जाएगा और मेरा नाम लगेगा उसका फ्री कोई भी हो जाँच, सीटी स्कैन हो, अल्ट्रासाउंड हो, चेस्ट एक्सरे हो, सब फ्री जाँच भी होता है, वो एक रुपया कहीं ऑपरेशन हमारे डॉक्टर मुकेश कुमार के द्वारा अभी तक तकरीबन 12 ऑपरेशन की 13 ऑपरेशन वो किए हैं जिनमें एक रुपया भी वो हमसे नहीं लिए हैं, और दवा भी फ्री देते हैं। और हमारे गांव की एक महिला का ऑपरेशन किए थे जिसका वीडियो भी उन्होंने भेजा था, उसके पेट से इतना बड़ा गोला निकला हुआ था, जो मेरी गांव की एक महिला है, और वो ऑपरेशन करने के बाद हमको मैसेज दिए थे। तो हमें लगा कि सिवान में सारे डॉक्टर चाहते हैं कि गरीब लोग का इलाज हो मुफ्त में, बस उन तक व्यवस्था पहुँचाने के लिए हम आए हैं। कल आपको प्रशासन के द्वारा रामनवमी के शुभ अवसर पर आपको लेकर गया, ले गई प्रशासन और काफ़ी देर तक आपको बैठा के रखी, इसके बारे में क्या कहिए? देखिए, प्रशासन के द्वारा हमको वहाँ बुलाया गया, हम गए 10:30 बजे और 6:30 बजे के करीब में हमको वहाँ से छोड़ दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं थी, पूछताछ के द्वारा वहाँ कुछ पूछताछ भी नहीं हुआ, सर बोले कि अरे आप रामनवमी मेला है बस, हम पूछे सर कोई बात है तो नहीं कोई बात नहीं है, 151 कोई धारा होता है इसके तहत आप हैं,
और बहुत कॉपरेट किए लो, वहाँ हम रहे, चाय पिए, दिन भर रहे और शाम को बहुत। क्या लगता है इसके पीछे कहीं राजनीतिक दबाव था या कुछ? देखिए राजनीति ना करते हैं और ना ही राजनीति के हम चक्कर में हैं। अब अगर कोई लगता होगा किसी को कि मैं राजनीति कर रहा हूँ तो उन आपके मीडिया के माध्यम से कहूँगा कि वो लोग राजनीति करें, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हमारा ये सेवा करने का उद्देश्य कुछ और है जो मीडिया में हम नहीं कह सकते हैं। ये जरूर कहेंगे कि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि मैं आज पूरी तरह से 75% डोनेट करने आ गया हूँ समाज के गरीब असहाय लोगों के लिए। तो क्या लगता है जो मेडिकल शिविर आप फ्री में लगा रहे हैं इससे सरकार के जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें मजबूती प्रदान होगी कि लोग आप ही के ऊपर डिपेंड रहेंगे? नहीं, सरकारी अस्पताल में भी लोग इलाज कराते हैं। हमारे 1500 से 2000 3000 4000 मरीज इलाज कराते हैं सरकारी अस्पताल में। हमको लगता है डेली 1000 2000 लोग मरीज इलाज कराते हैं डेली। हमारे यहाँ संडे का संडे लगता है। कुछ लोग जो वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, चाहे वहाँ सही ढंग से इलाज नहीं हो पाती है, उसके लिए भी हम लोग के यहाँ इलाज बेहतर हो रहा है। ऐसा ये सेवा करने का उद्देश्य कुछ और है जो मीडिया में हम नहीं कह सकते हैं। ये जरूर कहेंगे कि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि मैं आज पूरी तरह से 75% डोनेट करने आ गया हूँ समाज के गरीब असहाय लोगों के लिए। तो क्या लगता है जो मेडिकल शिविर आप फ्री में लगा रहे हैं इससे सरकार के जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें मजबूती प्रदान होगी कि लोग आप ही के ऊपर डिपेंड रहेंगे? नहीं, सरकारी अस्पताल में भी लोग इलाज कराते हैं। हमारे 1500 से 2000 3000 4000 मरीज इलाज कराते हैं सरकारी अस्पताल में। हमको लगता है डेली 1000 2000 लोग मरीज इलाज कराते हैं डेली। हमारे यहाँ संडे का संडे लगता है। कुछ लोग जो वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, चाहे वहाँ सही ढंग से इलाज नहीं हो पाती है, उसके लिए भी हम लोग के यहाँ इलाज बेहतर हो रहा है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार भी इलाज करा रही है। नहीं तो पूरे सिवान जिले की जनसंख्या 30 लाख से ऊपर है। अब मेरे द्वारा क्यू कैंप के द्वारा थोड़ी उनका इलाज हो जाएगा। अभी तक 3 कैंप लग चुका है, लगभग कितने लोगों का इलाज हो चुका है यहाँ पे? देखिए हर कैंप में, अगली बार जब हम गोरखपुर में थे, मेरा किस्मत भी थोड़ा सा साथ नहीं देता, अगली बार मेरे पिताजी का तबियत खराब था, उनका लेके ऑपरेशन है, रचित में थे भर्ती आईसीयू में, तो हम वहाँ थे। तो उस दिन हम सुने थे कि तकरीबन 4 से 5 हज़ार बहुत भीड़ थी जो संभाल नहीं पाए हैं, मैंने हमारे साथ रहने वाले लोग। और इस बार भी हम शायद किसी वजह से मुफस्सिल थाना में थे, इस कैंप में भी हम नहीं रहे, लेकिन अगले कैंप में ऊपर वाला से दुआ करेंगे कि हमको यहाँ बकस दे, हम रहें। क्योंकि इस कैंप में हम अगली बार स्वयं चाहते हैं कि अपने हाथों से लोगों को पानी पिलाएं, अपने हाथों से लोगों को डॉक्टर से इलाज करा के दवा वितरण करें। इस संडे को बड़े डॉक्टर आने वाले हैं गोरखपुर से, उनको लेकर सिवान की जो भी जनता आपको देख रही है न्यूज के माध्यम से, उन लोगों से क्या अपील करना? यही अपील करेंगे कि अगर आपके गाँव में किसी भी मोहल्ले में किसी भी प्रकार का कोई गरीब असहाय है जो स्पेशलिस्ट दिखाना चाहते हो, स्पेशलिस्ट है जिस बीमारी का इलाज सिवान में ना हो, वो यहाँ आएंगे तो उनकी इलाज मुफ्त में होगी, क्योंकि बाहर से ही डॉक्टर आ रहा है। चलिए।